आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे? तो भरतपुर के नेता कृष्णलाल जोशी थे। भरतपुर में जन जागृति आंदोलन चलाया गया था कृष्णलाल जोशी के द्वारा, और इन्हीं के प्रयासों से दिसंबर 1938 ईस्वी के अंदर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णलाल जोशी के द्वारा की गई थी, और ये भरतपुर के अंदर जन जागृति आंदोलन भी चलाया गया था, और भरतपुर के अंदर दिसंबर 1938 ईस्वी के अंदर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी वह कृष्णलाल जोशी की रही थी। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये कृष्णलाल जोशी को ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्यागभूमि नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो त्यागभूमि नामक समाचार पत्र के संपादक हरिभाऊ उपाध्याय थे। हरिभाऊ उपाध्याय जो कि त्यागभूमि नामक समाचार पत्र के संपादक थे। हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा एक तो नवजीवन समाचार पत्र और इसके अलावा त्यागभूमि समाचार पत्र प्रकाशित होता था, और ये त्यागभूमि समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित होता था। 1927 ईस्वी को अजमेर से इसका प्रकाशन हुआ था, और इसके अंदर कुल 64 पृष्ठ थे। कितने पृष्ठ थे? 64 पृष्ठ थे। इन 64 पृष्ठ में से जो महिलाओं के लिए, यानी कि महिलाओं के शिक्षा के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, यानी कि नारी सशक्तिकरण के लिए 16 पृष्ठ आरक्षित थे। इस त्यागभूमि समाचार पत्र के अंदर कुल 64 पृष्ठ होते थे, उनमें से 64 पृष्ठ, इन 64 पृष्ठ में से 16 पृष्ठ जो कि महिलाओं के आरक्षण से संबंधित थे। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का, त्यागभूमि समाचार पत्र हरिभाऊ उपाध्याय। अगला क्वेश्चन, अटुंडी अजमेर के गांधी आश्रम की स्थापना के द्वारा की गई थी? अटुंडी अजमेर के अंदर गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उनकी स्थापना, गांधी आश्रम की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई थी। हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा नवजीवन समाचार पत्र, त्यागभूमि समाचार पत्र और इसके अलावा शिक्षा सदन, यानी कि महिला शिक्षा सदन की भी स्थापना की गई थी। सस्ता साहित्य मंडल 1925 में अजमेर में स्थापित किया गया था, और ये हटुंडी आश्रम की स्थापना, अटुंडी अजमेर के अंदर गांधी आश्रम की स्थापना 1927 ईस्वी के अंदर की गई हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, त्यागभूमि मासिक हिंदी समाचार पत्र के 64 में से कितने पृष्ठ स्त्रियों की सामाजिक जागृति के लिए आरक्षित थे? तो अभी हमने देखा कुल कितने पृष्ठ थे, 64 पृष्ठ थे, उसमें से 16 पृष्ठ महिलाओं के लिए आरक्षित थे, यानी कि महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर या महिलाओं को जन जागृति के लिए 16 पृष्ठ उनके लिए आरक्षित किए गए थे। इसका राइट आंसर हुआ 16 पेज, इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का। वीर भारत समाज की स्थापना की गई, यानी कि वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। और एक है वीर भारत सभा, यह वीर भारत समाज, और वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई, और वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारट के द्वारा की गई। केसरी सिंह बारट के द्वारा की गई थी कोटा के अंदर 1910 ईस्वी के अंदर। और वीर भारत समाज ये क्रांतिकारियों को शस्त्र उपलब्ध कराने हेतु और क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए विजय सिंह पथिक के द्वारा वीर भारत समाज की स्थापना की गई थी। बात करें विजय सिंह पथिक के बारे में, तो विजय सिंह पथिक का जन्म बुलंदशहर के अंदर हुआ था। इनका मूल नाम भूप सिंह था, और ये राजस्थान के अंदर राष्ट्र बिहारी बोस के आदेश पर ये राजस्थान आए थे। 1915 ईस्वी में सर्वप्रथम ये राजस्थान आए थे, और
राजस्थान में सर्वप्रथम चित्तौड़ जिले के ओछड़ी के ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के पास में आए थे। तो राजस्थान में सर्वप्रथम कौन से ठिकाने पर आए थे, ओछड़ी ठिकाना था, और वहां के जो ठाकुर थे गोपाल सिंह खरवा के पास में सर्वप्रथम विजय सिंह पथिक राजस्थान आते हैं। और जैसे ही राजस्थान आते हैं तो यहाँ के बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख नेता से संपर्क में आ जाते हैं और उसके बाद में वह बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी करते हैं और राजस्थान में उपरमाल पंच मोड की स्थापना भी करते हैं 1917 ईस्वी के अंदर भी करते हैं। अगला क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था, यानी भूप सिंह गुजर इनका मूल नाम था। और कहा जाता है कि जब बुलंदशहर के आसपास ब्रिटिश खुफिया पुलिस ने उनकी तलाशी शुरू की तो वे वहां से अपना वेश बदलकर राजस्थान आ गए थे और राजस्थान के अंदर अपना नाम बदल दिया और दाढ़ी मूछे बढ़ाने के बाद में अपना नाम बदलकर विजय सिंह पथिक कर दिया। और यहां पर ब्रिटिश सरकार के या ब्रिटिश के विरुद्ध इन्होंने यहां पर अपना आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांतिकारियों का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के पास में आए थे, यानी कि ओछड़ी गांव, कौन सा गांव है? ओछड़ी, ओछड़ी चित्तौड़ के अंदर है, वहां के ठाकुर गोपाल सिंह खरवा के पास में आए थे और ये हराश बिहारी बोस के कहने पर राजस्थान में सर्वप्रथम आए थे। और कहां पर आए थे? चित्तौड़ के अंदर आए थे। कहां पर आए थे? चित्तौड़ के अंदर। और चित्तौड़ में आने के बाद में उन्होंने वीर भारत समाज की स्थापना की और यहां आने पर इन्होंने विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की और 1917 ईस्वी के अंदर उन्होंने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। और उसके बाद में 1921 ईस्वी में राजस्थान अजमेर में जन जागरण हेतु राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी और इनके द्वारा जो समाचार पत्र निकाले जाते थे, एक राजस्थान सेवा संघ के ये संस्थापक माने जाते हैं और इनके द्वारा एक राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान के संपादक विजय सिंह पथिक माने जाते हैं। और कहा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे राजस्थान और समूचे देश भर में चर्चा का विषय बनाया था। प्रताप नामक समाचार पत्र उसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे और इनके द्वारा कानपुर से वो प्रकाशित होता था और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी व्हाइट आर इंडिया स्टेट्स इनकी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था? उपरमाल पंच बोर्ड का गठन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। कब किया? 1917 ईस्वी के अंदर किया गया था और उपरमाल पंच बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष मुन्ना पटेल को बनाया था, मुन्ना भाई पटेल को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। अगर पूछे कि उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया, विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1917 ईस्वी के अंदर किया गया। उपरमाल पंच बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? मुन्ना भाई पटेल को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक से संबंधित सही कथनों पर विचार कीजिए। राज बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित है, जी हाँ, विजय सिंह पथिक राज बिहारी बोस के कहने पर ही वह राजस्थान आए थे सर्वप्रथम, इसका मतलब पहला कथन सही है। दूसरा है कि इन्होंने विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की राजस्थान में आने के बाद में, उन्होंने 1915 के अंदर विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की, ये भी कथन सही है, और साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया, ये भी कथन सही है, इसका मतलब चारों कथन सही है, इसका राइट आंसर होगा चार नंबर। इसके अलावा इन्होंने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और इनके द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र के अंदर विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई और राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते, कौन? विजय सिंह पथिक राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन के जनक के रूप में माने जाते हैं और इनका नाम मूल नाम था भूप सिंह। और इनके द्वारा जो समाचार पत्र चलाए गए थे और इनके द्वारा समाचार पत्र राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान समाचार पत्र भी इनके द्वारा चलाए गए थे और उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना भी विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया, तो जय नारायण व्यास के द्वारा अखंड भारत समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। और जय नारायण व्यास की बात करें तो इन्हें शेर ए राजस्थान के रूप में विख्यात
और इनका जन्म जोधपुर के अंदर 1899 ईस्वी के अंदर हुआ था जयनारायण व्यास का। जयनारायण व्यास के द्वारा कई सारे समाचार पत्र निकाले गए थे। जयनारायण व्यास के द्वारा राजस्थान के अंदर अखंड भारत, सॉरी राजस्थान नहीं अखंड भारत समाचार पत्र, ये हिंदी भाषा के अंदर 1938 ईस्वी के अंदर मुंबई से प्रकाशित हुआ था। मुंबई से अखंड भारत समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ, 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और मुंबई से प्रकाशित हुआ। इसके अलावा इनके द्वारा आगीबाण समाचार पत्र, आगीबाण समाचार पत्र जो कि राजस्थानी भाषा के अंदर प्रकाशित हुआ था, 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और यह ब्यावर से हुआ था। कहां से हुआ था? ब्यावर अजमेर से हुआ था। तो आगीबाण समाचार पत्र राजस्थानी भाषा 1932 में प्रकाशित हुआ, कहां से हुआ? ब्यावर से हुआ और इसका संपादक कौन थे? जयनारायण व्यास। इसके अलावा इनके द्वारा एक पीप समाचार पत्र, पीप समाचार पत्र एक अंग्रेजी समाचार पत्र था और यह दिल्ली से प्रकाशित होता था। कहां से होता था? दिल्ली से प्रकाशित होता था। इसके अलावा इनके द्वारा तरुण राजस्थान समाचार पत्र निकाला गया था और यह 1927 ईस्वी में ब्यावर से प्रकाशित होता था, ब्यावर से प्रकाशित होता था। और इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई मारवाड़ का, मारवाड़ की अवस्था और पोपा भाई की पोल, इनकी दो पुस्तकें लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, आगीबाण के संपादक थे, आगीबाण के संपादक जयनारायण व्यास थे और ये कहां से प्रकाशित होता था? ब्यावर से होता था। और कौन सी भाषा? तो ये राजस्थानी भाषा के अंदर होता था और कब होता? 1932 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम इसका प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध निम्न में से किससे था? तो पीप का संबंध जयनारायण व्यास से था और जयनारायण व्यास ये दिल्ली से प्रकाशित होता था और ये अंग्रेजी समाचार पत्र था। कैसा था? अंग्रेजी समाचार पत्र था। और जयनारायण व्यास की बात करें तो इन्होंने राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी रहे और निर्वाचित भी रहे। बात करें जयनारायण व्यास के द्वारा राजस्थान के अंदर जब प्रथम विधानसभा के अंदर चुनाव लड़े थे तो वह दो सीटों से चुनाव लड़े थे और दोनों जगह से चुनाव हार गए थे। एक जालौर की ए सीट से चुनाव लड़ा था, जहां से वह माधव सिंह से हार गए थे, और जोधपुर की बी सीट से चुनाव लड़े थे और वह यहां से हनुमंत सिंह से हार गए थे। और दोनों सीटों से वह चुनाव हारने के कारण राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे और इसके स्थान पर उनके दोस्त टीकाराम पालीवाल को राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया। और उसके बाद में उपचुनाव के द्वारा किशनगढ़ अजमेर से वह उपचुनाव जीतकर राजस्थान की विधानसभा सदस्यता ग्रहण की और उसके बाद में वह राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। कौन? जयनारायण व्यास। एक और बात है कि जयनारायण व्यास ने जोधपुर के अंदर जय कन्या विद्यालय की स्थापना की गई थी 1932 ईस्वी के अंदर। और एक जयनारायण व्यास ने मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष या संस्थापक 1938 ईस्वी के अंदर मारवाड़ के अंदर की गई थी। और एक अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद के 1939 ईस्वी में उन्हें महामंत्री बनाया था। एक ये भी बात आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू करने वाले मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 ईस्वी के अंदर जयनारायण व्यास के द्वारा हुई थी। जयनारायण व्यास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो राजस्थान में लोकनायक के रूप में जयनारायण व्यास को जाना जाता है।
पोपा बाई की पोल नामक पुस्तक की रचना की थी। तो पोपा बाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था की रचना जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। मारवाड़ युद्ध लीग की स्थापना या संस्थापक कौन थे? तो मारवाड़ युद्ध लीग की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा 10 मई 1931 ईस्वी के अंदर मारवाड़ युद्ध लीग की स्थापना की गई थी। वापिस आ गए राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 ईस्वी में किसके द्वारा स्थापित किया? तो ये जयनारायण व्यास के द्वारा जोधपुर के अंदर जय कन्या विद्यालय 1932 ईस्वी के अंदर जयनारायण व्यास के द्वारा स्थापना की गई थी। एक बार जयनारायण व्यास के बारे में वापिस पूरी जानकारी बता देता हूं आपको कि जयनारायण व्यास जिसे लोकनायक के रूप में या शेर ए राजस्थान के रूप में नाम से विख्यात माना जाता है और इनका जन्म 1899 ईस्वी के अंदर जोधपुर में हुआ था। ये राजस्थान के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ या उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की थी। इनके द्वारा जो समाचार पत्र निकाले गए थे, एक तरुण राजस्थान जो कि ब्यावर अजमेर से 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसके अलावा अखंड भारत 1938 में मुंबई से प्रकाशित होता था जो कि हिंदी भाषा में था, इसके अलावा इनके द्वारा आगी बाण समाचार पत्र जो कि राजस्थानी भाषा में था 1932 ईस्वी में ब्यावर से प्रकाशित होता था, इसके अलावा इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई एक पीप समाचार पत्र जो कि दिल्ली से प्रकाशित होता था वह अंग्रेजी भाषा में था, और इसके अलावा इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई थी एक मारवाड़ की अवस्था और एक पोपा बाई की पोल, ये दो इनके द्वारा पुस्तकें लिखी गई। इसके अलावा इन्होंने कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की? इन्होंने मारवाड़ युद्ध लीग की स्थापना की 10 मई 1931 ईस्वी के अंदर मारवाड़ युद्ध लीग की स्थापना की। इनके द्वारा 1932 ईस्वी के अंदर बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय की स्थापना की गई थी। इनके द्वारा मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 ईस्वी में की गई थी। इनको अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद जिसकी स्थापना 1918 ईस्वी में हुई थी, इसके महामंत्री बने थे 1939 ईस्वी के अंदर, और इनके द्वारा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 ईस्वी के अंदर की गई थी। ये भी इसके संस्थापक भी कौन थे? जयनारायण व्यास। और ये राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं था? पहले तो ये बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा क्या था? बीकानेर के अंदर बीकानेर के उस समय के राजा गंगा सिंह हुआ करते, कौन थे? तात्कालिक राजा गंगा सिंह जब 1931 ईस्वी में गोलमेल सम्मेलन के अंदर भाग लेने गए थे तो यहाँ के स्थानीय नेताओं के द्वारा या स्थानीय लोगों के द्वारा या स्थानीय क्रांतिकारियों के द्वारा इनके विरुद्ध कुछ बीकानेर दिग्दर्शन के अंदर पुस्तक के अंदर इनके विरुद्ध गंगा सिंह के विरुद्ध कुछ पर्चे छपाए, और जिस कारण गंगा सिंह ने इनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराकर इनको गिरफ्तार करवा दिया गया था, बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। और इस बीकानेर षड्यंत्र केस के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति थे? तो स्वामी गोपाल दास बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे के तहत उनको गिरफ्तार किया गया, सत्यनारायण श्राप को भी गिरफ्तार किया गया था, बद्री प्रसाद को भी गिरफ्तार किया गया था, और इसके अलावा खूबराम इसके अलावा प्यारेलाल और इसके अलावा चंदन मल भी इसके अंदर शामिल थे। तो बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे के अंदर स्वामी गोपालदास, सत्यनारायण सराफ, बद्री प्रसाद, खूबराम, प्यारेलाल और चंदन मल ये इसके अंदर का शामिल थे, इनको गिरफ्तार किया था। तो इसके अंदर कौन शामिल नहीं थे? तो रघुवर दयाल गोयल इसके अंदर शामिल नहीं थे, इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का।
वापिस क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन बीकानेर राजद्रोह या षड्यंत्र मामले में शामिल थे? गोपालदास, स्वामी गोपालदास थे, खूबराम, खूबराम भी थे, सत्यनारायण सराफ ये भी थे, और मानमल जैन ये नहीं थे। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा 1, 2 व 3, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। और इसके अलावा चंदन मल थे और सत्यनारायण सराफ थे, स्वामी गोपालदास, बद्री प्रसाद, खूबराम और प्यारे लाल, इन 5 या इन 6 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने। अगला क्वेश्चन आज के लिए इतना ही।